नमस्ते, मैं सुमन शर्मा। मैंने अपनी इस वीडियो में सीताफल या आप इसे कद्दू का रायता कह सकते हैं बनाने की विधि बताई है। इस सीताफल या कद्दू के रायते को आप व्रत कर रखा है तब भी खा सकते हैं और नहीं कर रखा तब भी खाया जा सकता है। ये सीताफल या कद्दू का रायता ये खाने के बाद बहुत जल्दी पच जाता है और बहुत ही फायदेमंद है इसे खाना। उम्मीद है मेरी इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिलेगा और पसंद आएगी। पसंद आने पर लाइक का बटन प्रेस करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आज हम सीताफल या आप इसे कद्दू भी कह सकते हैं इसका रायता बनाएंगे। सीताफल या कद्दू का रायता बनाने के लिए सबसे पहले हम इसका छिलका उतार लेंगे। इसका छिलका उतार लेंगे पीछे से। रायता बनाने के लिए पीले रंग का सीताफल ज्यादा बढ़िया रहता है। और ये रायता हम दो आदमियों के लिए बना रहे हैं इसलिए हमने कम सीताफल लिया है। आप ज्यादा के लिए बना रहे हो तो ज्यादा सीताफल लेना। और ये छिलका उतार लेने के बाद अब हम इसे कद्दूकस कर लेंगे। ये सीताफल या कद्दू हमने कद्दूकस कर लिया है। अब हम इसे कुकर में डालकर उबाल लेंगे। इसे उबालने के लिए ये मैंने हाफ कप से थोड़ा सा ज्यादा पानी लिया है। पानी और ये कद्दू या सीताफल हम कुकर में डालकर उबाल लेंगे गैस पर। तो कुकर में डाल लेते हैं हम। कुकर में दो सीटी आ गई हैं। अब हम चेक करेंगे कि सीताफल या कद्दू उबला है कि नहीं। कद्दू बहुत अच्छी तरह से उबल गया है। अब हम इसे पानी समेत दही में दही को फेंटने के बाद मिला लेंगे। इसका पानी हम फेंकेंगे नहीं। अब ये कद्दू या सीताफल को उबाल लेने के बाद अब हम इसका रायता बना लेंगे। इतने सीताफल के लिए हम दही लेंगे 4 टेबलस्पून। तो हम दही को डाल लेते हैं। चार टेबलस्पून मैंने दही लिया है। अब इस दही को हम थोड़ा सा फेंट लेंगे। अगर दही गाढ़ा है तो थोड़ा सा फेंट लेंगे। और दही गाढ़ा हो तो उसमें थोड़ा सा पानी भी डाल लेंगे। वैसे भी दही को थोड़ा फेंट लेना रायते से पहले अच्छा रहता है, गाढ़ा हो या ना हो, फिर भी थोड़ा सा हमें उसे फेंटना बहुत जरूरी हो जाता है। जितना पतला रायता आप खाना चाहते हैं उतना पानी डाल सकते हैं। हमने दही को बहुत अच्छी तरह से फेंट लिया है और अब हम इसमें ज्यादा पानी नहीं डालेंगे क्योंकि थोड़ा पानी हमारा इस सीताफल को जब हमने उबाला था तो इसमें भी है। तो अब हम सीताफल डाल देंगे। पानी समेत ही डाला है हमने। ये सीताफल का पानी हमने निचोड़ कर बाहर नहीं किया है। और अब इसमें हम अपने स्वाद के हिसाब से नमक डाल देंगे। ये सेंधा नमक है 1/2 टीस्पून, ये भी डाल दूंगी मैं इसमें। और ये काली मिर्च है 1/2 टीस्पून, ये भी डाल देंगे। और इसे डालने के बाद अब हम इसे मिला देंगे, अच्छी तरह से मिला देंगे इसमें। और ये सब डाल देने के बाद अब हम सबसे आखिर में ये भुना हुआ जीरा डाल देंगे। ये जीरा मैंने तवे पर भून लिया है। और इसे भुनने के बाद अब हम हाथ से ऐसे मसल करके इसमें डाल देंगे। भुना हुआ जीरा दही में या रायते में डाल देने से दही या रायता खाने के बाद बहुत जल्दी पच जाता है और ये खाने में भी ज्यादा टेस्टी लगता है रायता भुना हुआ जीरा डाल देने के बाद।
तो आप ये सीताफल या कद्दू का रायता बनाएं और खाएं।